तो गुड इवनिंग एवरी वन क्या हाल है सबके होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एकदम तेजी में पढ़ाई चल रही होगी सभी की एंड बढ़िया बढ़िया सबका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा होगा आप लोग के इतने सारे मैराथन सीरीज हो रहे हैं इतने सारे ऐप में क्वेश्चन सीरीज हो रहे हैं ओके द मॉरल शुड बी वेरी हाई क्वेश्चन सबको बन रहे होंगे ठीक है बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं ठीक है और डेट डजेंट मैटर ज़्यादा मैटर नहीं करता है. अभी हमें इस सेशन से सीखना है मेन एम है हमारे सेशन से सीखने का ठीक है तो दो जो मेन पर्पस है इक्वेज में जो चीजें आपसे नहीं बन रही है ठीक है जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं एक रफ कॉपी में इसे जरूर नोट करते हुए चलिए ताकि यहाँ पे जो गलती हो रही है वहां पे रिपीट ना हो जाए ओके ओके आयुषी शुक्ला हिमांशु यादव वरुण ऋषभ कल्पना पांडा वर्षा उपाध्याय आदर्श डोगरा कशिश मोहित सत्तू नीतू अभिषेक मोहित तन्मय प्रिया ओके जय हिंद जय हिंद चलो नहीं अब बड़े दिनों बाद नहीं कल परसों तो आया था परसों ही तो आया था मैं उत्पल पल्लवी विराज ओके गुड इवनिंग एवरी तो जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस ठीक है आज हम डिफेंस अवेयरनेस के ऊपर बात करने वाले हैं ठीक है देखो डिफेंस अवेयरनेस इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है डिफेंस के ऊपर क्वेश्चन क्योंकि एटलीस्ट जो आपका सी पेपर हो चाहे आपका सी वाला हो चाहे एफ कैट हो ओके okay? चाहे आपका सी हो या डिफेंस के ऊपर आप एटलीस्ट यू विल एक्सपेक्ट सेवन टू टेन क्वेश्चन या सिक्स टू सेवन क्वेश्चन आपके रहेंगे ही रहेंगे कई कभी कभार तेरह चौदह क्वेश्चन भी आ जाते हैं ठीक है तो ये ऐसा सेक्शन है ये ऐसा सेक्शन है कि यहाँ पे आप बहुत कम एफर्ट में कम एफर्ट में आप ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं चलियो? तो चलिए आज का खेला शुरू करते हैं अपन लोग ओके ओके सभी को ओके? तो ये ग्रेड अप डिफेंस चैनल है हम लोगों का ओके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को ग्रेड अप का तो इसमें आपको डेली क्वेज सारे पी वगैरह मिल जाएंगे ओके ये कुछ ऑन गोइंग एंड अपकमिंग कोर्सेस हैं फोर्थ अगस्त सिक्स अगस्त को स्टार्ट होने वाले हैं ठीक है चलिए ओके okay, चलिए खेला शुरू करते हैं अपन देखो डिफेंस करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने काफी रखे हैं करंट के भी, भी कराए गए होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक को है चलो सही है रिसेंट में विच डिफेंस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन हैज डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग फोर्टी एम एम यू ठीक है फोर्टी एम एम यू बीजेलिशन कौन से डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी के अभी डिजाइन किया जल्दी बताओ आंसर फॉर ऑल ऑफ योर आंसर चलो जल्दी ओके okay. ये ये देखो मैं टफ क्वेश्चन दिया ये मैंने आपको बाउंसर फेंका अब देखते हैं आप लोग कैसे अटेम्प करते हो बाउंसर को अख्तर भी बाउंसर मारता था सचिन तेंदुलकर को बट यू नो वर्ल्ड कप में क्या किया था सचिन तेंदुलकर ने ओके आई जस्ट क्विकली वन द आंसर डी आर डी ओ एमिशन फैक्ट्री खटकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ओके गिव मी द आंसर देखो ऐसे क्वेश्चंस का आइडिया नहीं है ना तो मैंने बताया क्या करना है आपने आपने क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस को डॉच कर देना ओके okay. इसका आंसर है एमुनेशन फैक्ट्री खड़की जो लोग बी आंसर दे रहे हैं दैट्स आई एम रियली आप लोग मतलब बहुत डिटेल में पढ़ाई कर रहे हैं एंड इट्स रियली रियली गुड द करेक्ट आंसर इज यू बीजीएल किसने डिजाइन किया है एम्युनेशन फैक्ट्री खड़की में ठीक है इट हैज हैजिन डिजाइन इन खड़की क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगले सवाल की तरफ इंडियन कोस्ट गार्ड का व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल पेट्रोल वेसल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड इंडियन कोस्ट गार्ड सार्थक रक्षित समस्त कौन सा है ओके okay, वैब nice, nice. तो तो ही होगा. गुड इवनिंग नीलम ओके जल्दी से आंसर दीजिए इसका क्विकली गिव मी द आंसर ऑफ दिस वन अभी रिसेंट में इंडियन कोस्ट गार्ड का कौन सा व्हीकल लॉन्च हुआ है एंड इट वॉज वेरी मच इन न्यूज टू थाउजेंड द करेक्ट आंसर इज आई इंडियन कोस्ट गार्ड ठीक है ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज पे था पेट्रोल व्हीकल सार्थक ने मतलब अभी अभी लॉन्च किया गया वेरी गुड मोस्ट ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर मैक्सिमम लोग सही आंसर दे रहे हो वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग सचिन तो खेल को आगे बढ़ाते हुए देखो वन लाइनर क्वेश्चन है ये जोग्राफी के मैराथन जैसे नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको कराना पड़ेगा आज के सेशन का हमारा मेन मोटिव क्या रहेगा कि कम टाइम में आपको कैसे मैक्सिमम क्वेश्चंस करा दूं, मैं ठीक है ओके वेरी नाइस कौन सा प्राइवेट स्पेस कंपनीज रॉकेट विच प्राइवेट स्पेस कंपनीज रॉकेट हैज बीन सक्सेस हैव बीन सक्सेसफुली टेस्टेड फायर्ड बाय इंडियन आर्मी ठीक है एक प्राइवेट प्राइवेट स्पेस कंपनी के रॉकेट को इंडियन आर्मी ने अभी अभी रिसेंटली चांदीपुर से टेस्ट किया था नो नो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन एजुकेशन रिलेटेड पोर्टल भी बनाया गया बिल्कुल सही ठीक है कोविड से लड़ने के लिए पोर्टल भी बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा गुरुचरण okay. दो यह बहुत ज्यादा रिसेंट न्यूज में था okay. इकोनॉमिक एक्सप्लूसिव लिमिटेड रिलेटिविटी स्पेस मून स्पेस रॉकेट लैब्स राइट द करेक्ट आंसर इज इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड ठीक है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है इनने अपना मिसाइल रॉकेट इंडियन आर्मी को दिया था और इंडियन आर्मी ने इसे चलाया था ठीक है ओके okay. अगला सवाल बोल्ड कुरुक्षेत्र मिलिट्री एक्सरसाइज कौन कौन से कंट्री के बीच में यार ये तो देखो सभी से बनना चाहिए ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस तो आपके टिप्स में होना चाहिए ठीक है मिलिट्री एक्सरसाइजेस शुड बी एट योर टिप्स हाँ कोई आपको आधी रात को नींद से उठा तो भी आपको बता देने चाहिए मिलिट्री एक्सरसाइजेस एक्सरसाइज से एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा तय तो बात है ओके okay. बताओ आंसर इसका बोल कुरुक्षेत्र किसके साथ एक्सरसाइज है इट्स बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर बोल कुरुक्षेत्र ठीक है कुरुक्षेत्र हालांकि महाभारत की लड़ाई हुई थी हरियाणा में बट दिस इज नॉट द वन ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में एक्सरसाइज है कोविड के बाद अभी रिसेंटली ये एक्सरसाइज हुई थी चलो वेरी नाइस मैक्सिमम लोग कर रहे हैं ओके okay. वेरी नाइस nice. मित्र शक्ति मित्र शक्ति किस किस के बीच में ज्वाइंट एक्सरसाइज है मित्र शक्ति बताइए जल्दी से मित्र शक्ति इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज इंडिया श्रीलंका चाइना पाकिस्तान ठीक है पाकिस्तान रशिया बांग्लादेश इंडिया बताओ यार ये सब फटाफट बताओ ये बहुत एक कन्वेंशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है इस तरीके के क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मिलेंगे ऑलराइट हाँ करंट अफेयर्स का बहुत जल्दी मैराथन आएगा डोंट वरी डोंट वरी करंट अफेयर्स का बहुत जल्दी मैराथन आएगा इस मैराथन से आपका सीएपीएफ का पूरा कवर अप हो जाएगा ऑलराइट द करेक्ट आंसर इज इंडिया श्रीलंका ठीक है इंडिया श्रीलंका है और एक और ऐसे एक्सरसाइज है स्लिनक्स ये भी इंडिया श्रीलंका के भी साथ होता है बांग्लादेश और इंडिया का एक बहुत फेमस एक्सरसाइज है ठीक है एक बहुत फेमस एक्सरसाइज है संप्रीति संप्रीति इज अ वेरी फेमस एक्सरसाइज इंडिया बांग्लादेश का पर मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका के बीच में ओके वेरी नाइस nice। काफी लोग सही यहां से जल्दी पार्टिसिपेट करूं ओके खंजर खंजर पता है? आज मैंने एक अपने एक ऐप के सेशन जो थ्री थर्टी वाला जो क्विज वाला सेशन होता है वहां पे भी पूछा था मैंने खंजर खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और कौन से कंट्री के बीच में खंजर ओके हाँ मैथ्री इज डिफरेंट मैथ्री तो अलग है ओके गिव मी द करेक्ट आंसर जल्दी से जर किस किस के बीच में वेरी गुड ये ऐसा नाम है कि यार मैक्सिम लोगों को याद रहेगा ही रहेगा ओके द आंसर इज किर्गिस्तान अभी सबसे लेटेस्ट एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ अजय वॉरियर अजय वॉरियर एक रीसेंट में मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है क्या मेरे को कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अजय वॉरियर किस किस के कौन कौन से कंट्री के बीच में हुआ अभी रिसेंट में पूछ रहा हूं और एक्चुअली मिलिट्री एक्सरसाइज को हम क्या बोलते हैं ट्रैक वन डिप्लोमेसी ये कंट्रीज का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म आपस में फ्रेंडशिप को बढ़ाने के लिए भी होता है ठीक है ये ये अच्छा को जल्दी से अजय वॉरियर किस चीज के बीच में होता है कौन कौन से कंट्री के बीच में है अजय वॉरियर वेरी नाइस इट्स इंडिया एंड यूके मैं बहुत जल्दी एक सेशन लेके आऊंगा जिसमें आपको मिलिट्री एक्सरसाइज करवा दूंगा अच्छे से है ना डिटेल में पूरे ओके okay. विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिट्री एक्सरसाइज नॉट करेक्टली मैच इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है संप्रीति इंडो बांग्लादेश देखो इनमें से जो जो नहीं आता ना वो नोट भी कर लेना इंद्रधनुष इंडिया यूनाइटेड किंगडम ठीक है युद्ध अभ्यास इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स सूर्यकरण इंडिया मालदीव्स टेक यूर टाइम टेक योर टाइम बट आई वॉन्ट द करेक्ट आंसर ठीक है टेक यूर टाइम एंड गिव द करेक्ट आंसर ओके किसके साथ है फिर अच्छा जो आप लोग आंसर बोलो कर... देखो अगर सही है गलत बता रहे हो कि कौन सा ऑप्शन है तो उसका सही ऑप्शन भी बताओ वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस ठीक है बहुत अच्छा द करेक्ट आंसर है सूर्य किरण ठीक है ये इंडियो नेपाल के साथ है बाकी सारे सही युद्ध युद्धाभ्यास भी सही है युद्धाभ्यास देखो बहुत ट मिलिट्री एक्सरसाइजेस है ठीक है हर साल होता है लास्ट ये वाला हवाई आइलैंड में हुआ था ठीक है इंद्रधनुष इंदिरा भी होता है ठीक है वो रशिया के साथ होता है Force, फर, देखो ध्यान से सुनना फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ठीक है फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ एंड कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स कौन थे ठीक है ये ब्रिटिशर पूछ रहा आप है आपसे इंडियन अलग है ठीक है सर थॉमस एमरस सर रोनाल्ड जपैन ओके जेराल्ड एंडस गिप्स एपसी मेरवन इंजीनियर ओके अजय नायक उसको रिवाइज करते रहिए ठीक है. है उसको रिवाइज करते रहिए हु वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स द करेक्ट आंसर इज सर थॉमस अच्छा फर्स्ट इंडियन एयर चीफ कौन थे फर्स्ट इंडियन एयर फोर्स चीफ हु फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स चीफ जल्दी से बताओ फर्स्ट इंडियन चीफ कौन थे हाँ वही मैं पूछ रहा हूं हु फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स चीफ आप लोगों की तरफ से आंसर आना चाहिए क्विकली यार क्विकली क्विकली नहीं नॉट ही वॉज नॉट अरुण भारत ये नहीं प्रियंक चतुर्वेदी नेवी चीफ थे अच्छा फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स चीफ फर्स्ट इंडियन नेवी चीफ ओके okay? यस yes. इट्स शुभ्रोतो मुखर्जी और फर्स्ट इंडियन नेवी चीफ कौन थे एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी बिल्कुल फर्स्ट इंडियन नेवी के चीफ कौन थे हो वॉज द फर्स्ट इंडियन नेवी चीफ जल्दी बताओ एंड फर्स्ट इंडियन आर्मी के चीफ भी बताओ इंडियन आर्मी चीफ इंडियन आर्मी चीफ तीनों बताओ मेरे को ओके फर्स्ट नेवी चीफ वॉज आरडी कटारी फर्स्ट इंडियन नेवी चीफ आरडी कटारी थे ठीक है ब्रिटिशर जो थे उससे हमें कुछ ज्यादा मतलब नहीं आर डी कटारी बिल्कुल हाँ इनको फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स एंड फर्स्ट इंडियन आर्मी की चीफ कौन थे हु द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी ये जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो क्विकली इसमें देखना फूर्ती दिखाओ यस yes, इट्स एफ एम फील्ड मार्शल के एम करियप्पा बिल्कुल सही फील्ड मार्शल एफ एम द फील्ड मार्शल ठीक है फर्स्ट चीफ कौन थे करियप्पा जनरल करियप्पा ठीक है या yeah. तो ये हो गया आई होप देखो स्पेशली फॉर एनी ऑफ द डिफेंस एग्जामिनेशन यू शुड नो आपको और क्या क्या चीजें तैयार होना चाहिए करंट चीफ ओके करंट चीफ ऑफ आर्मी नेवी एयरफोर्स ओके एंड सी एपीएफ के ठीक है सारी चीज़ पता होने चाहिए जो सबसे ज्यादा जो रिसेंट अनाउंसमेंट रिसेंट जो अभी अपॉइंटमेंट हुए हैं क्लियर? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लार्जेस्ट कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स इंडियन भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा कमांड कौन सा है सेंट्रल एयर कमांड सदर्न एयर कमांड ईस्टर्न एयर कमांड वेस्टर्न एयर कमांड बताइए ओके विच इज द लार्जेस्ट कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स हां जी लार्जेस्ट कमांड बताओ इंडियन एयरफोर्स का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिल्कुल सही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये भी पता होना चाहिए लार्जेस्ट कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स वेरी नाइस

ठीक है मतलब जो डिफरेंट uh, कमांड्स रहते हैं कॉप्स चार्स जैसे हो गए ठीक okay, है इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ कमेटी और प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड ओके गिव मी द आंसर हा वेस्टर्न एयर कमांड का मतलब कहां हेडक्वार्ट गांधीनगर में ऑल राइट ओके प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड ठीक है प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड्सर क्या चलो इट है एज प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज इसलिए आर्म फोर्सेज के यंग ऑफिसर गिव मतलब सिक्योरिटी प्रेसिडेंट मीजर गौरव चौधरी आप सभी को ना पता ही होगा एवरी वन नोज दिस विश

आई नो देर वॉज ए स्मोल करेक्शन वेस्टर्न एयर कमांड इज इन डेली याट गिवस ट्रेनिंग टू भूटान ठीक है इट गिव ट्रेनिंग टू भूटान अभी जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि रिसेंट आई एम ए में जो मतलब सेंट्रल एशिया के कैडेट्स और इंडियन कैडेट्स के बीच में ही बहुत लड़ाई हो गई थी ठीक है इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम आर्मी ऑफिसर्स भूटान को भी ट्रेनिंग देती है बिकॉज भूटान हमारे फ्रेंडली नेशंस में आता है भूटान इज नोन एज एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड नेबरहुड नेबरहुड ओके एक्सटेंडेड नेबरहुड भी बोला जाता है भूटान को ऑल राइट right. आगे चलते हैं चलो एक और मिलिट्री एक्सरसाइज का ईगल नाइन मिलिट्री एक्सरसाइज ठीक है हाँ, इंडिया इन, की द ओनली कंट्री वेयर इंडिया के डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है तो वो है भूटान बाकी हर जगह इंडिया सारे नेबर्स इंडिया के अगेंस्ट में आ चुके हैं ओके ईगल नाइन मिलिट्री एक्सरसाइज कौन से कंट्री के साथ अभी हुआ था इंडिया पाकिस्तान लगता है आपको हो सकता है चाइना पाकिस्तान इंडिया चाइना अबव ओके आंसर ओके ईगल नाइन I just wonder कि कोई हाँ बिल्कुल होते हैं डिफेंस एस्पिरेंट बिल्कुल होते हैं नहीं नेपाल को अभी नहीं आता ओके इट्स बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान या ठीक है चाइना पाकिस्तान के बीच में एक्सरसाइज होती है या देखो ऑप्शन कैसे इलिमिनेट करना है ये आपको ए ऑप्शन कहीं से पॉसिबल लगता है अगर आपको ए ऑप्शन कहीं से भी पॉसिबल लग रहा है तो मेरे दोस्त फिर

श्रीलंका मालदीव्स इंडिया सिचल्स इंडो मालदीव्स। ओके ओके ठीक है खुशबू ओके वेद आंसर चेंज कर रहा है अपना ओके ठीक है ऑल राइट खुशबू ओके नितिन निधि सार्थक ऑल राइट आंसर बता देते हैं ओके एक्यूवेर मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडो मालदीव्स के बीच में ठीक है देखो जनरली आपसे ऐसे देखो जैसे ये होते हैं ना मिलिट्री एक्सरसाइज जैसे तो इसमें नाम से आपको समझ में आ जा रहा है से पूछे जाएंगे। तो जो डिफरेंट टाइप के जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस होंगे डिफरेंट नेम्स के उसपे आपको स्पेशल फोकस रखना है क्लियो? उस पर आपको बहुत अच्छे से फोकस रखना है रिसेंट लेबर एक्सरसाइज हुआ है ठीक है रिसेंट नेवल एक्सरसाइज हुआ है ये मैंने क्विज में भी कंडक्ट कराया था यह एक्सरसाइज हुआ है कैरेट कौन कौन से कंट्रीज के बीच में ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश यूएसए बांग्लादेश इंडिया श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया जापान सिंगापुर ऑस्ट्रेलिया ठीक है जल्दी बताओ कौन कौन से कंट्रीज के बीच में अभी यह मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ कैरेट कैरेट गोल्ड ये एकदम रीसेंट है आप जैसे कोई भी मैगजीन पढ़ोगे ना तो ये एक्सरसाइज आपको टॉप में देखने को मिल जाएगी ये नो एक्सरसाइजेस द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली यूएस इन बांग्लादेश ठीक है यूएसए क्या कर रहा है अभी चाइना के जितने भी नेबर्स है ठीक है यूएसए की एक पॉलिसी है ये देखो आपके एग्जाम में आ सकता है पॉलिसी का नाम किया एशिया पेवर्ड पॉलिसी एशिया पेवर्ड पॉलिसी एशिया पे वोट पॉलिसी है तो इस पॉलिसी के अंदर क्या कर रहे हैं यूएसए चाइना के जितने भी मेंबर्स है मतलब कंट्री सराउंडिंग कंट्रीज है उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा है यूएसए ठीक है इस पॉलिसी के बारे में पूछ सकते हैं एशिया पे वोट पॉलिसी ओके तो कैरेट किस किसके बीच में है यूएसए और बांग्लादेश ऑल राइट वट वॉज द कोड नेम गिवन टू द फर्स्ट ट्राई सर्विस मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स ट्राई सर्विस में यही आते हैं कोस्ट गार्ड वगैरह नहीं आता मिलिट्री एक्सरसाइजेस बिटवीन इंडिया यूएसए ये देखो 2020 में हुआ था 2020 के लास्ट में हुआ था ये एक्सरसाइज लायन ट्रम्प एलिफेंट ट्रम्प टाइगर ओके okay. आशीष पूछो पूछो लास्ट का किसने देखा है कल किसने देखा अभी पूछ लो मैं वैसे ही देख रहा हूं हाँ ये सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है बिल्कुल सही वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस द करेक्ट आंसर इज टाइगर ट्रियम्प ये आर्मी नेवी फोर्स उसकी ट्राई मिलिट्री एक्सरसाइज है तो आप लोग कोई से भी फोर्स में जाएंगे आपको यूएस घूमने का मौका मिलेगा कई कंट्री घूमने का मिलने का मतलब किसी भी कंट्री में जाने का मौका मिला ना मिला येस यूएस जाने का मौका बहुत मिलेगा आपको फौज में ठीक है कौन से कंट्रीज के बीच में शक्ति एक्सरसाइज होता है शक्ति ये बहुत पुरानी एक्सरसाइज है पर हर साल होती है रिसेंट में भी हुई है म्यांमार इंडिया बांग्लादेश इंडिया फ्रांस इंडिया यूके एंड इंडिया शक्ति एक्सरसाइजेस ओके ओके क्विकली 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 डिफरेंट आंसर आ रहा है सबका डिफरेंट आंसर आ रहा है अच्छा नहीं अब कॉमन आंसर आ रहा है सबका मतलब ऐसा तो नहीं कि एक किसी को देखते हो एक किसी का आंसर का वेट करते हो उसको देख के सब कॉपी मारते हो चलो वेरी नाइस वेरी नाइस मजाक कर रहा हूँ द करेक्ट आंसर इज इंडिया और फ्रांस के बीच में ठीक है वरुण एक्सरसाइज भी होती है शक्ति एक्सरसाइज भी होती है ठीक है हमारे कमांडिंग ऑफिसर का नाम भी शक्ति था एक बॉर्डर पिक्चर की बहुत फेमस डायलॉग भी है शक्ति महाशक्ति वाषि शेट्डी एनी वेज ऑल राइट चलो ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है पर फेवरेट क्वेश्चन ये क्वेश्चन सबके दिल के पास है वाज राइट वट वॉज द ऑपरेशन डन बाय द इंडियन एयरफोर्स इन पाकिस्तान टेरर हाइड आउट इन बालाकोट कौन सा ऑपरेशन बोला जाता है ये एवरग्रीन ऑपरेशन था एनी ऑपरेशन ऑन विच इंडियन मतलब एवरी इंडियन शुड बी प्राउड ऑफ इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशन बंदर ऑपरेशन कैट ऑपरेशन आउल ऑपरेशन रैट देखो मैंने आपको एक एलिमिनेशन का ट्रिक बताया था ना हमेशा अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आपने क्या करना है उसमें से और थोड़ा सा ऑड वन आउट टाइप का पकड़ना ठीक है।, है तो ऑड वन आउट क्या दिख रहा है सारे नाम आपको इंग्लिश में देख रहे हैं एक ही नाम आपको दिखेगा ओके द करेक्ट आंसर इज बंदर ऑपरेशन बंदर ठीक है ऑपरेशन बंदर चलाया था बालाकोट स्ट्राइक में ओके okay. सिम्बेक्स करके एक्सरसाइज हुआ था

मैंने बताया था ना भली जितना क्वेश्चन हो यूपीएससी ऑलवेज गिव्स यू यूपीएससी आपको एक हमेशा विंडो देता है यूपीएससी काइंड इट गिव्स यू विंडो आप आंसर्स को सही कर पाओ आशीष यार एक मिनट यार इतने सारे कमेंट्स में जरा मिस हो जा रहा है सर तो बांग्लादेश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यार देखो इसको इसकी बात अपन इसलिए करेंगे आशीष क्योंकि यार इंडिया में डेमोक्रेसी है और बांग्लादेश में डेमोक्रेसी इज नॉट इन इट्स फुल फॉर्म ओके ठीक है मैं इसके बारे में बताऊंगा आशीष मैं आपको बताऊंगा ना अभी पहले अपन यहां पे फोकस करते हैं इसका थोड़ा लंबा आंसर जाएगा ओके बायोलिट्रिकल नेवल एक्सरसाइज ये श्रीलंका नहीं है भाई ये है आपका सिंगापुर अगर आपको ये चीज पता होती ना मेरे भाई तो आप इजीली बता देते आप ऑप्शन एक को काट दो

ऑफ चेन्नई पोर्ट इसका थर्टीन एडिशन रिसेंटली चेन्नई पोर्ट में हुआ था ये न्यूज में था डिफेंस की न्यूज वगैरह फॉलो कर रहे हो तो पता चल जाना चाहिए ओके ओके गिव मी द करेक्ट आंसर क्या हो गया कंपनी इसमें एकदम बुलेट के तरह के आंसर्स नहीं आ रहे आंसर टू एंड थ्री था आंसर वाज टू एंड थ्री आंसर वाज टू एंड थ्री, एं थ्री प्रीवियस वाले का ओके प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया था क्या ये देखो टू एंड थ्री वॉज द आंसर ठीक है टू एंड थ्री वॉज द आंसर प्रीवियस क्वेश्चन वाले का ओके इसका आंसर बताइए इंडियन कोई ओके ये आपका जापान सी ऑफ जापान साइड में हुआ था ये एक्चुअली चाइना प्रिंस बनाने के लिए China ने, China ने जो count, count के था ना साउथ चाइना सी उस पर प्रिंस बनाने के लिए था राइट इज द करेक्ट आंसर वेरी नाइस काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं काफी लोग थोड़ा इधर उधर हो रहे हैं कोई बात नहीं अच्छा नसीम अल बहर आई एम एम सॉरी इफ आई इट रॉन्ग नसीम अल बहर ये यह बायोलेट्रल है बिटवीन कौन कौन सी कंट्रीज नसीम अल बहर सचिन वर्मा करंट अफेयर्स की मैराथन बहुत जल्दी लेके आएंगे डोंट वरी बहुत जल्दी आपके लिए आएगा कोई बात नहीं प्रिया जो चीजें आप लोगों से नहीं बन रही अच्छा देखो ये अपन को अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्विज नहीं करना एक चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी ये क्विज आपके एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है जो चीजें आप लोगों से नहीं बन रही ना उसको कीप नोटिंग इट डाउन उसको एक किसी भी कॉपी पेज कहीं पे नोट करते हुए चलो कि एग्जाम में गलत ना हो जाए ओके तो इसका तो आंसर सबको पता होगा ओमान के बाद ओमान के साथ है ठीक है ओमान के साथ है नसीम अलबहर क्लियर ओके The theme of Defense Expo 11th edition of Biennial Defense Ex Exhibition. What was the theme of Defense Expo? India, the emerging defense manufacturing hub, artificial intelligence and defense, making India a pride in defense, digital battlefield of the future. Give me the correct answer. राहुल चौधरी आप अभी सिर्फ हर दो तीन दिन में एक राइटिंग प्रैक्टिस आपको आखिरी तक करनी है पर अभी इंटेंसिटी कम कर लो एटलीस्ट तीन चार दिन तीन चार दिन में ऐसे लिखो अभी पेपर वन पे फोकस करो सब लोग ओके वेरी नाइस सब लोग सही आंसर दे रहे हैं ओके द करेक्ट आंसर इज ए ठीक है इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब दिस इज द करेक्ट आंसर वेरी नाइस वेरी नाइस अगला सवाल इन विच इंडियन सिटी द इंडियन नेवी कंडक्टेड इट्स कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइजेस मार्टला अभियान मार्टला अभियान कहां पे कंडक्ट किया था भारतीय नौसेना ने बताइए क्लोज या yeah, लखनऊ में था अगर इसका आंसर बताओ इंडियन नेवी का कहां पे हुआ था मार्टला अभियान ओके क्विकली गिव मी द आंसर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट करेक्ट answers फ्रॉम यू पीपल पेपर टू का मैराथन कैसे हो सकता है पेपर टू के लिए आपका देखो ऑलरेडी एक, एक प्ले बना हुआ है आप उसमें ऐसे सीरीज को जाके चेक कर सकते हैं ठीक है इट वाज इन कोलकाता ओके कोलकाता बिल्कुल काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं काफी लोग थोड़े कंफ्यूज हो गए बट द आंसर इज कोलकाता ठीक है कोलकाता में हुआ था गार्डन रीच में बना था गार्डन रीच गार्डन रीच गार्डन रीच में क्या है एक्चुअली यहां पे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री और मर्चेंट नेवी का भी सेंटर होता है जैसे मुंबई में क्या है डॉक्स डॉक्स है क्लियर ओके अजय वॉरियर अभी रिसेंटली मेरिट हुआ था ये इंडिया और कौन से कंट्री के बीच में हुआ अजय वॉरियर अजय वॉरियर ये स्टार्टिंग से अगर सेशन अटेंड कर रहे हो तो मैंने बताया इसका हिंट दिया आपको अजय वॉरियर भाई किसके साथ है जल्दी बता दो अजय योद्धा ओके okay. देखो एक चीज मैं पहली बता रहा हूं इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके डिफेंस में फॉर डिफेंस के लिए देखो आपका जो टफ क्वेश्चंस रहता है एक चीज आपको समझनी है करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड किंगडम देखो नंबर आपके हो सकता है हिस्ट्री में कट जाए हिस्ट्री के टफ हो, हो सकता है ज्योग्राफी में कट जाए हो सकता है पॉलिटी में कट जाए पर जो ये करंट अफेयर्स और जो डिफेंस वाला पार्ट है इसमें गलत नहीं करना आपको है आपको इसमें गलत नहीं करना ठीक है ओके मूविंग फॉरवर्ड व्हाट इज द थीम ऑफ दिस नेवल एक्सरसाइज ऑफ इंडिया मिलन मिलन का थीम क्या था नेवी का जो एक्सरसाइजेस होता है सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें यूएन के मतलब मैक्सिमम ओके मिलन का थीम क्या था कभी उड़ते उड़ते पढ़ लिया हो न्यूज पेपर में अखबारों में थीम में थीम्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं जैसे आप इंटरनेशनल डेज वगैरह पढ़ते हो ना उसके ऊपर भी काफी थीम्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं इसमें ठीक है चलो आई आई गिव द राइट आंसर करेक्ट आंसर डिस्कस कर लेते हैं करेक्ट आंसर सिनर्जी अक्रॉस द लेट मी सी कितने लोगों ने सही आंसर दिया उसका नाम मैं पढ़ के बताऊंगा हाउ मेनी ऑफ यू आंसर अनफोर्चुनेटली मेरे को बी ओके okay, प्रकाश सिंगला नहीं ये तो पिछले वाले में पहुंच गए ओके okay, कल्पना वेरी गुड वेरी गुड श्रेयस ने भी सही आंसर दिया ठीक है काफी लोगों ने सही आंसर दिया ओके okay, काफी नहीं कम लोगों ने सही आंसर दिया बट ये इसको नोट कर लेना है दिस इज इंपॉर्टेंट एंड इट कैन कम इन एग्जामिनेशन अभी जो हमारा इंडिया बांग्लादेश का संप्रीति नाइन हुआ था विच कंट्री वॉज द करना है ऐसा नहीं है कि इंडियन नेवी की एक्सरसाइजेस ज्यादा होती है इंडियन आर्मी की भी ज्यादा सबसे ज्यादा इंडियन आर्मी की एक्सरसाइजेस होती है कल्पना केशर यहां पर क्वेश्चन नेवी के ज्यादा है ठीक है ओके संप्रीति कौन से मतलब होस्ट था ओके द आंसर इज उमरोई उमरोई मेघालय के पास था ठीक है इट वॉज उमरोई मेघालय चलो कोई नहीं मैनी पीपल काफी लोगों ने सही आंसर दिया वेरी नाइस वेरी नाइस एक्सरसाइज इंद्र धनुष डिफेंस एक्सरसाइज ये कौन कौन से कंट्रीज के एयरफोर्स के बीच में ये देखो जो लोग बोल रहे थे कि सर नेवी नेवी के आ रहे एयरफोर्स भी ले लो इंद्रधनुष किसके बीच में या देखो ये तो फटाफट ये पता है इतने क्वेश्चन में कितना टाइम लगना चाहिए पांच सेकेंड देखो और उत्तर दो देखो और उत्तर दो पांच सेकंड से ज्यादा के सवाल नहीं है पांच सेकंड से ज्यादा ले रहे हो तो फिर दस सेकंड में तो कर ही दो ओके ठीक है इट्स बिटवीन इंडियन यूके बिल्कुल सही बिल्कुल सही जवाब इंडियन यूनाइटेड किंगडम हमारे यूनाइटेड किंगडम के बीच में ओके विच आर्म फोर्सेज हेज कंडक्टेड री सारिक्स नाइनटीन ऑफ गोवा कोस्ट री सारिक्स नाइनटीन गोवा कोस्ट में कौन से फौज ने अभी एक एक्सरसाइज की थी री सारिक्स क्विकली आंसर री सारिक्स ओके करेक्ट आंसर इज डी ठीक है भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड ऑल राइट right. ठीक है ओके एडिशन ऑफ मिलिट्री इंडियन आर्मी और मालदीव कहां पे हेल्ड हुआ था वॉज हेल्ड हो गया अभी वॉज हेल्ड कहां पे टेंथ एडिशन ऑफ कहां पे हेल्ड हुआ था टेंथ एडिशन ऑफ एक्र हुआ था जल्दी बताइए आंसर या शोर अजय नायक फोकस ऑन द इजी पार्ट्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ये करंट ये डिफेंस वाले इन सब पार्ट्स पर फोकस करो पॉलिटी ओके द करेक्ट आंसर इज पुणे महाराष्ट्र पुणे में हुआ था ठीक है नो इट इट इट्स पुणे इट्स पुणे पुणे में हुआ था एक्सरसाइज ऑल राइट ओके okay, ये छोड़ो ओके ओके एक्सरसाइज शक्ति किस किस के बीच में एक्सरसाइज शक्ति बायलैटरल एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी और किसके बीच में दिल्ली बताओ दिल्ली दो पांच सेकंड में आंसर दो इसका एक्सरसाइज शक्ति वॉज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एक्सरसाइज शक्ति द करेक्ट आंसर इज इट्स फ्रांस हां इसके बात हम कर चुके हैं इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ है ठीक है इट बिटवीन इंडियन एंड जस्ट मिनट ओके द सेकेंड एडिशन ऑफ एमनेक्स द इंडियन म्यांमार लेवल एक्सरसाइजेस बिगेन एट ठीक है नाइनटीन अक्टूबर 2019 में हुआ था ये कहां पे हुआ था ठीक है ये थोड़ा सा पीछे दो साल बैक भी इसलिए जा सकता है क्योंकि अभी लास्ट वन ईयर से पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था तो मे बी मे बी दे कैन गो दिस मच बियॉन्ड ओके मे बी इतना पीछे जा सकते हैं आई एम नॉट श्योर बट दे कैन यस एंड द करेक्ट आंसर इज व्हिच इज द करेक्ट आंसर द करेक्ट आंसर इज या विशाखापट्टनम वाइजैक में आप लोगों में से कई लोग क्या नेवएस है इस तरीके की सेशन लेके आऊंगे जो की बहुत ही हाई सेशन रहेंगे ठीक है जो आपका बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन करे ऐसे सेशन लेके आऊंगा जो आपको एक मार्क्स ला पाए और जल्द ही आप लोगों के लिए रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के मैराथॉन्स भी प्रन किया जा रहे हैं थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन ओके यू कैन यूज कोड मिशन में डायरेक्ट फिफ्टी परसेंट ऑफ मिल सकता है ऐप so पर, पर बिल्कुल सेशन रहेगा ठीक है जय इंदर बाय बायस हा आज का क्विक सेशन था क्विक सेशन था किसी को कोई भी डाउट है इफ यू वॉन्ट टू आस्क दैन आस्क किसी को कुछ भी डाउट अगर पूछना है हाँ करंट अफेयर्स का बिल्कुल लेके आ जाएगा डोंट वरी करेंट अफेयर्स का सेशन आपका बस आपके पीडीएफ एंड ऑल बन रहे हैं बहुत जल्दी डिलीवर किया जाएगा आपको ठीक है चलिए थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत uh, रस्तोगी जी इट्स इट्स सिक्स थर्टी इन इवनिंग क्लियर अप्रोक्सीमेटली थर्टी 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 फाइव क्वेश्चन होंगी ऑल राइट बाय